आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो भी एग्जांपल के साथ। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर में साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं, जिसे आप सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम को मिला देते हैं तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ अ सीपीयू कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर हो गया यहाँ पे, विच कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं, ये कंप्यूटर का ही पार्ट होता है लेकिन इसे टच नहीं किया जा सकता। सॉफ्टवेयर टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कंप्यूटर जो भी काम करता है और कितना काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को बताता है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं, उसी से कंप्यूटर को पता चल जाता है क्या करना है और वही सॉफ्टवेयर कहलाता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो थ्री टाइप्स का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर उस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ताकि हम दूसरे सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम में रन कर सकें। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उसको कौन मैनेज करता है, कौन परफॉर्म करवाता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। क्यों? ताकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहें, चलाना चाहें, चला सकें। ठीक है, मोबाइल फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है, टाइप है। लेकिन इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के चलते हम अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं अपने कंप्यूटर, मोबाइल या फिर कंप्यूटर, जो भी बोल लो, लैपटॉप। तो ये कहलाता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो यही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। टाइप नंबर टू होता है सॉफ्टवेयर का, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, इसका क्या काम है? द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू डू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क्स इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी मदद करता है किसी भी काम को करने के लिए, वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आपको एमएस वर्ड में काम करना है तो आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे, एक्सेल में काम करना है तो आप एमएस एक्सेल ओपन करेंगे। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही रन करता है। मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो ये एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल जो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, ये उसी के ऊपर रन करते हैं। ठीक है, टाइप नंबर थ्री होता है हमारा सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर का जितना भी रिसोर्स होता है उसको मैनेज कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है लेकिन एक एंटीवायरस उन सभी सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और उन्हें मेंटेन करके रखता है। बैकअप सॉफ्टवेयर, आप बैकअप सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कुछ भी डेटा डिलीट हो जाए तो आप बैकअप ले सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। ठीक है, डिस्क टूल्स। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।